हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक्सरसाइज और पुशअप करने के सही तरीके और फायदे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप जिम में जाकर डंबल या रॉड उठाकर ही बॉडी बना सकते हैं। आप घर पर भी अच्छे और मजबूत बॉडी बना सकते हैं, जिसमें आपको आसानी और सरल तरीका के पुशअप करना चाहिए। पुशअप एक ऐसा व्यायाम है जो आपके शरीर के कोर पर काम करता है, जो आपके बॉडी को सुडौल और मजबूत बनाता है। पुशअप करने से आपका शरीर मजबूत, आकर्षक एवं चुस्त दिखता है। तो पुशअप करने से आपके एक्सरसाइज करने की क्षमता काफ़ी गुना बढ़ जाती है। शरीर के ऊपरी हिस्से को अच्छी शेप देने के लिए पुशअप एक अच्छा एक्सरसाइज है। इससे हाथों का वजन भी कम होता है। पुशअप से रक्त और ऑक्सीजन का संचार काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। पुशअप कोर मांसपेशियां और ऊपरी मांसपेशियां के लिए काफ़ी प्रभावदार व्यायाम है, जो आपके शरीर को बेहतर शेप देकर मजबूती प्रदान करता है। पुशअप करने से पहले थोड़ा वर्कअप करना जरूरी होता है, क्योंकि हेल्थ ट्रेनिंग एक्सरसाइज का एक प्रकार भी है, जो बिना जिम के पुशअप करने से आपका शरीर इस एक्सरसाइज के लिए थोड़ा तैयार हो जाता है और ज़्यादा समस्या नहीं होती है। पुशअप करने के लिए आप फर्श पर एक चटाई बिछाए, जिसे आपका शरीर गंदा ना हो। उसके बाद आप चटाई पर घुटने के बगल बैठ जाए और फिर अपने शरीर को आगे की ओर झुकाकर अपने शरीर का भार अपने हाथ और पैरों में ले जाए। फिर अपने शरीर को ऊपर से नीचे की ओर झुकाए और फिर ऊपर ले जाए। गर्ल्स इमेज में दिए गए तरीके से ही करें और बॉयज भी इमेज में दिए गए तरीके से हैंड को यूज़ करें। पुशअप के दौरान सांस की प्रतिक्रिया यानी सांस अंदर बाहर करने की सही तरीके को अपना लिया तो आपको पुशअप करने में काफ़ी सहायता होगी। को नीचे ले जाते समय सांस को बाहर छोड़ें और शरीर को ऊपर उठाते वक्त सांस को अंदर की तरफ खींचे। कितने पुशअप करें? यदि आप पुशअप की शुरुआत कर रहे हैं तो ज़्यादा पुशअप ना करें। आप 3 की सेट बना लें और 10-10 करके पुशअप करें। उसके बाद आप 20-25 तक करें। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।